औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज साहिवाल से एक बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी अपडेट है। साहिवाल के लोगों ने तारीख़ रकम कर दी, साहिवाल के लोगों ने कमाल कर दिया। मैं एक अक्सर हम डायलॉग सुनते हैं कि वोट की इज़्ज़त के हवाले से, अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो आज वहाँ वोट को इज़्ज़त मिलती नज़र आई। आज वहाँ इलेक्शन थे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के, उसके हवाले से ख़बर ये है कि जो इमरान नबी मेलो साहब मुंतखब हुए हैं, जो सदर मुंतखब हुए हैं 729 वोट लेकर साल 2022-2023, ये एक रवायत से हटकर काम हुआ है। खैर, दूसरे नायब सदर साहब मलिक आबिद खोखर साहब हैं 839 वोट, और मार अली रज़ा जनरल सेक्रेटरी हैं 478 वोट लेकर। तो ये वाकई इलेक्शन हुआ है, क्योंकि जब वोट को इज़्ज़त मिलती है तो इसको इलेक्शन कहते हैं। और अगर इंसान के ऊपर बरादरीज़्म गालब हो, लोगों का असर और सूख गालब हो, लोगों की अपनी उसमें इतना मायल ना हो, उनको मजबूर किया जाए या ख़रीदा जाए, तो उसको सिलेक्शन कहते हैं। आज वाकई कमाल इलेक्शन हुए और लोगों ने बरादरीज़्म, असर और सूख और इस तरह के जितने वो ख़रीदारी ख़रीदो फरोख्त को सबको बालाए ताक रखकर जिनको मुंतखब किया, वो ख़ुद भी एक अपनी तारीख रखते हैं। इमरान नबी मेलो साहब, इनके वालिद साहब ग़ुलाम नबी गुजर साहब, एक दफ़ा हुक्के के निशान पे वो माशाल्लाह उन्होंने इलेक्शन जीता था। हम छोटे थे, बचपन में थे, क्योंकि मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने बहुत इज़्ज़त उनकी वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह थी, मगर उन्होंने अपने इलेक्शन से साबित किया उस वक़्त कि वो एक बेहतरीन वहाँ के एक आदमी थे, एक बेहतरीन वर्कर थे, एक अच्छे इंसान थे। और उनकी औलाद ने भी आगे साबित किया, हमेशा मैंने इमरान नबी साहब को सोशल वर्क में देखा है, एक बहुत अच्छे वो वकील भी हैं, मगर उनका ज़्यादा वक्त, उनका ज़्यादा ध्यान, उनका ज़्यादा जो माइल होते हैं वो सोशल वर्क की तरफ और वो आवाम की खिदमत में ज़्यादातर मैंने उनको देखा है। उनकी वालिद साहब का जो जज्बा उनके अंदर मौजूद है, आज वही उसी चीज़ ने, उसी तसलसल ने उनको इलेक्शन जितवाया है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और जो हारे हैं उनके लिए भी हौसला अफजाई ये करते हैं कि इंसान दो मैदान में हो तो एक हारता है एक जीता है, मगर इमरान नबी साहब का जीतना साहिवाल के लोगों का कमाल ज़ाहिर करता है। और मैं साहिवाल के लोगों को मुबारक देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरी डिस्ट्रिक्ट बार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं एज़ आ सोशल वर्कर, मैं एज आ एक यूट्यूबर, और क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, साहिवाल से मेरा ताल्लुक है, मैं बड़े अरसे से पिछले से लाहौर में हूँ, मगर साहिवाल पर मेरी हर वक्त एक नज़र होती है। ये जब इलेक्शन हो रहे थे तो उनकी कंपेन चल रही थी, मेरा जाना वहाँ पर हुआ, तो मैंने पेशेंट को की थी अपने दोस्तों को, वो ज़रूर मेरी वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कि मैंने कहा था कि इमरान नबी साहब बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। क्योंकि मैं इससे पहले जब 2018 के इलेक्शन थे तो मैं लाहौर में बैठ के मैंने पेशेंट को की थी कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, हालांकि मैंने इस दफ़ा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, और मैंने ये पेशेंट को की थी वहाँ बैठ के कि वहाँ पर इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून जीतेगी। उसकी वजह थी कि मेरे पास मोस्टली लोग आते रहते हैं, मुझे व्यूज़ भी मिलते रहते हैं, और मैं वहाँ पे बाकायदा जाता भी रहा, उस वक्त भी अभी भी मेरा जाना हुआ था। तो बहरहाल हर लिहाज से आज मुबारकबाद के मुस्तक हैं सारे साहिवाल वाले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वाले, सारे वकला, सारे दोस्त, सबको मुबारक है, और अल्लाह ताला इनको खिदमत की तौफीक दे और ये साल इस कदर अच्छा इनका गुजरे, खिदमत में गुजरे, मोहब्बत में गुजरे, और अपने जितने भी लोग हैं जो इनका मकसद है
जो वहाँ की बार के तकवात हैं उन पर पूरा उतरें, तो मुझे उम्मीद है कि अगली दफ़ा भी ये तसलसल बरकरार रख सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।